तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आज के नए एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो में। तो गाइस, आज के इस एक्सपेरिमेंट में आपको यहाँ पे नजर आ रही होगा, ये रहा स्प्लेंडर का BS6 का मॉडल, और वहाँ पे आपको नजर आ रही होगा, ये रहा स्प्लेंडर का BS4 का मॉडल। तो गाइस, कॉमनली आप लोगों ने एक बात सुना ही होगा कि BS6 और BS4 में कुछ कमियां आपको नजर आ रही होगी। काफी सारे लोगों ने ये कहा है कि ये जो BS6 का जो नया मॉडल आया हुआ है, मतलब फ्यूचर में अच्छा ही है, लेकिन मजबूती में, ताकत में ना ये कम माना जाता है। तो ये भी जो है ना 97cc का है, और ये भी है ना 97cc का ही है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने क्या कहते हैं कि आजकल के जो मोटर्स की, जो आजकल की जो गाड़ियां निकल रही है, उसमें खास कर ज़्यादा पावर नहीं है। ऐसे सच में होता है क्या? तो गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम लोग ये टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आपको BS4 का मॉडल और यहाँ पे आपको BS6 का मॉडल दिख रहा होगा, बीच में एक हम लोगों ने लाइन बना दिया है। तो गाइस, हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक रस्सा बांधेंगे, रस्सा बांध के टग ऑफ वार का टेस्ट करने वाले। ये भी 97cc है, ये भी 97 से 100cc है, लेकिन आज के वीडियो के अंदर पता चल ही जाएगा कि इसमें ज़्यादा ताकत है या इसमें ज़्यादा ताकत है। तो लेट्स सी गाइस, वीडियो बहुत ही क्रेजी है और वीडियो बहुत ही एक्सपेंसिव होने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल के अंदर कुछ नए नए क्रेजी क्रेजी एक्सपेरिमेंट वीडियोज़ देखने के लिए मिलते हैं। तो गाइस, फाइनली हम लोगों ने इस तरह से रस्सा बांध लिया है। तो गाइस, अभी जो है ना, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कोई आके एक गाड़ी उधर चला लेना, भाई तुम चला लो। अपना सेटअप रेडी हो चुका है। तो गाइस, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा BS6 का मॉडल बाइक यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे BS4 वाला खड़ा हुआ है। तो लेट्स सी गाइस, इस टग ऑफ वार को, इस रेस को स्टार्ट करते हैं। इस रेस में पता चल ही जाएगा कि BS4 में ज़्यादा ताकत होती है या BS6 में ज़्यादा ताकत होती है। तो लेट्स सी गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई बाइक स्टार्ट कर देना तुम भी। मैं 1 2 3 चलता हूँ, ठीक है? 1 2 3 वहाँ पे आपको निशान देखो कितनी अच्छे से दिख रही है BS4 का। तो ये कहावत है BS6 को, जो आजकल के लोग कह रहे हैं BS6 में दम नहीं होता है। मैंने पूरा ताकत लगा दिया है BS4 में, जितना हो सके उतना, लेकिन फिर भी मैंने हार मान लिया हूँ। लेकिन अभी है ना सेकेंड राउंड चलेंगे, फर्स्ट राउंड में कुछ होता नहीं है। सेकेंड राउंड स्टार्ट होने वाला है, सेकेंड राउंड में पता चल जाएगा BS4 जीतेगा BS6 जीतेगा स्प्लेंडर का। तो गाइस, भाई गाड़ी स्टार्ट कर देना यार। 1 2 3 BS4 ने जीत पाया है। तो गाइस, ये रहा BS6 का हालत। तो मैं पिछली बार, मतलब पहला राउंड में क्या गलती किया,
कि मेरी गाड़ी है ना थोड़ी पीछे थी, ये जो BS6 वाला गाड़ी है ना थोड़ी आगे थी, इसके वजह से है ना BS4 को ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिल पाया जीतने के लिए। इस बार है ना दोनों एक बार स्टार्ट गाड़ी स्टार्ट कर दी है, लेकिन BS4 ने जीता है गाड़ी। वो ये मतलब इसको कहाँ से यहाँ से देखो, यहाँ से मिनिमम एक 2-3 मीटर तक खींचा हुआ गाड़ी। 3 मीटर खींचना काफ़ी मतलब मज़ेदार चीज़ है ना गाइस। तो इससे ये पता चलता है BS4 में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, हालांकि BS6 में ज़्यादा से ज़्यादा सेंसर, ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट किया वाला है। ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है ना गाइस, आज वो सच हो गई। लेकिन पिछली बार में मैंने छोटा सा गलती किया था, लेकिन रेस में बाद में दिया, BS6 वाला पहला रेस दिया था, इसीलिए ना मेरे को स्ट्रेंथ नहीं मिल पाया जीतने के लिए। इस बार दोनों सही मिलके रेस स्टार्ट किए, इसके लिए आज जो है ना BS4 फाइनली हमको पता ही है गाइस BS4 में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आप लोग कमेंट करके बता देना BS4 सही है या BS6 है। BS6 में अपडेटेड वर्जन है, BS4 में है ना अभी क्या बताऊँ गाइस ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही गाइस। BS6 का जो है ना एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अगर वीडियो ज़्यादा ही पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही कुछ मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे लेकर आता ही रहता हूँ। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के बाद।